ये मज़ार का बाहर इलाका है, सामने होटल है, इस साइड पे आपको स्टेडियम मिलेगा स्पोर्ट्स के लिए, और यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वे से इन लोगों ने ये खेमे टाइप बनाए अट्रैक्शन के लिए। तो वहाँ पे बाद में जाएंगे, और वो वहाँ पे बैक साइड पे बाज़ार भी है, वहाँ पे भी जाएंगे, पहले मज़ार में हाज़िरी देते हैं। इसकी समझ तो मुझे नहीं है कि क्या लिखा है ये, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये अर्तुरुल गाज़ी ने अपने बेटे उस्मान को नसीहत की थी शेख आदब अली के हवाले से कि इनकी हमेशा आप इज़्ज़त करें, और बाकी तुर्किश लैंग्वेज में है तो मुझे इसका इल्म नहीं है। यहाँ बिल्कुल मज़ार के बाहर कुछ और भी कब्रें हैं जिनके साथ नाम लिखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओगलू, ये सावशी बे का कब्र है जो कि अर्तुरुल गाज़ी के दूसरे बेटे थे। अभी जाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लिखा है तुर्गुत उल्फ, लेकिन इसका जो सही कब्र है वो कहीं और पे है, किसी और सिटी में है, तो अगर टाइम मिला तो वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन सही कब्र इसका कहीं और पे है, तुर्गुत उल्फ का कहीं और पे है। और यहाँ बिल्कुल इसके साथ ही गुंदोज़ बे का कब्र है जो कि अर्तुरुल गाज़ी के सबसे बड़े बेटे थे, वहाँ पे सावची बे जो कि दूसरे नंबर पे थे और ये सबसे बड़े बेटे थे। और बिल्कुल इसके पास ही अब्दुर्रहमान गाज़ी की कब्र मुबारक है, वो सामने दुंदार बे जो कि अर्तुरुल गाज़ी के छोटे भाई थे, दुंदार बे उनका कब्र है, वो इधर यहाँ पर ये सामसा का कब्र है। अगर आपने ड्रामा देखा है तो आपको ये करेक्टर्स याद आ जाएंगे जो कि डमी करेक्टर्स है, लेकिन ओरिजिनल जो सामसा है उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे है। और ये सल्तू काफ है, तो मेरे जहन में अभी ये नहीं आ रहा, आगे भी जाके देखते हैं। वहाँ पर भी कुछ कब्रें हैं, ये आयकुत अल्फ की कब्र है और वहाँ पे हसन अल्फ का नाम लिखा है उस कब्र पे। ये अख्तिमूर बे, हामिद बे और वो जो दो कब्रें हैं, एक सारी बे थी और खूबन बे, ये सारी कब्रें हैं यहाँ पे। और अभी ये बिल्कुल अर्तुरुल गाज़ी के मज़ार शरीफ है, और बैक साइड पे
इनका एक बाज़ार है जिसमें काई कबीले के ट्रेडिशनल मलबूसात और जो भी चीज़ें थी वो बिकती है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये काई कबीले की टोपियाँ हैं जो काई कबीले के अल्प सरदार सारे सोल्जर्स पहना करते थे। ड्रामे में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये बच्चों के लिए हैं। मैं अंदर भी जाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी कलरफुल किस्म की दुकान है। अस्सलामु अलैकुम। ये सारे लकड़ी के, ये जो स्पून्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे लकड़ी के हैं। बर्तन भी लकड़ी के हैं और ये कुछ की चेन्स हैं। यहाँ पे परफ्यूम रिंग्स। ये भी कुछ मिनी रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और हल्के फुल्के से फास्ट फूड सर्व किए जाते हैं। बिल्कुल उसी डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनाए गए हैं काई कबीले के जो उनके खेमे वगैरह थे उसी डिज़ाइन से अट्रैक्शन के लिए ताकि लोग ज़्यादातर यहाँ पे आए। ये आपको नज़र आ रहा है सामने वो अर्तुरुल गाजी का मज़ार है। वहीं से मैं अभी होके आया हूँ और कुछ देर बाद मैं वापस जाऊँगा इस्तांबुल के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टूरिस्ट ज़्यादा होंगे लेकिन आई डोंट नो इतने नहीं आए अभी। शायद कोविड की वजह से। खैर कोविड तो अभी सारे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुए। मास्क फ्री कंट्री है अभी। ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो पहन ले वरना ना पहने। लेकिन शायद देर हो गई है क्योंकि अभी है 5:30 बजे, 5:28 तो शायद इस वजह से। और ये काफ़ी आउट है इस्तांबुल से तो इसलिए मैं भी लोग यहाँ पे सुबह सवेरे ही आते होंगे। तो मैं भी वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बस यहाँ पर 2-3 फिक्चर्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर बैग पैक करके वापस इस्तांबुल की तरफ निकलते हैं। अभी मैं अर्तुरुल गाजी के मज़ार के बिल्कुल बैक साइड पे ये मिनी रेस्टोरेंट्स बने हैं जो कि काई कबीले के जो खेमे हो उस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं अट्रैक्शन के लिए, टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए कि लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। तुर्किश ट्रेडिशनल चाय मिलती है विद शुगर और विदाउट शुगर। तो मैंने ऑर्डर किया है विद शुगर। अभी टेस्ट करते हैं और इनका मज़ा ही अलग है खेमे के अंदर। जैसे कि हम सब ने ड्रामास में देखे हैं खेमे में वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मुझे भी वही वाली फील आ रही है कि अभी बाहर से कोई अल्फ आएगा अंदर। सारा वही स्ट्रक्चर जहन में। तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स ग्राउंड है और ये 2 खेमे लगे हैं यहाँ पर। रेस्टोरेंट से बहुत से लोग बाहर भी बैठे हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं। तो मैं अकेला था तो मैंने कहा चलो हम अंदर बैठते हैं, खेमे का मज़ा लेते हैं और तुर्किश चाय ट्राई करते हैं और वो भी ट्रेडिशनल कप में। माशाल्लाह। बिल्कुल टेस्ट इसका काफी की तरह ही है, लाते अमेरिकानों की तरह है लेकिन इसमें शुगर है।